Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from lecture of computer science. Today, our subject is data communication and computer network. Today, we are going to discuss what is unguided media. And in this topic, we are going to discuss what are radio waves, what are microwaves, and what are infrared waves. So first of all, let's start. What is unguided media? A media without any physical connector between transmitter and receiver is called unguided media. वो media कि जिसमें हमारे पास transmitter और receiver के दरमियान कोई ऐसा physical existence ना हो, ऐसे medium जिसमें कोई physical existence ना हो, कोई physical connector ना हो, ऐसे medium को हम बोलते हैं unguided media. हम कैसे भी define कर सकते हैं. In other words, wireless medium is also called unbounded or unguided media. हम इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास वायरलेस मीडियम है, मतलब कि जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ऐसे मीडियम जो कि जितने भी वायरलेस मीडियम है हमारे पास, इनको हम अनबाउंडेड मीडिया या हम इनको अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं. जितने भी अनगाइडेड मीडियम, इनको अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं. अनबाउंडेड से मुराद ये कि जब भी उसमें कोई मैसेज ट्रेवल, कन्फर्मेशन ट्रेवल करती है, तो वो किसी चीज़ की बाउंड नहीं है, किसी भी जगह से किसी भी उससे मूव कर सकती है. अन गाइडेंस से मुराद ये कि मतलब कि जितनी भी हमारे वायरलेस मीडियम है, इसको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती. ये किसी भी मैसेज, किसी भी सिग्नल के थ्रू कैरी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इन्फ्रारेड वेव्स हो गए, हमारे पास माइक्रोवेव्स हो गई, हमारे पास रेडियो इन्फ्रारेड और रेडियो वेव्स हो गई. मतलब जितनी भी ये वेव्स हैं, जितनी भी हमारे पास ट्रांसमिशन जो वायरलेस ट्रांसमिशन होती है, ये ना इनको किसी गाइडेंस की जरूरत है, ना किसी किसी बाउंडेंस की जरूरत है. मतलब ये फ्रीली ट्रेवल कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अनगाइडेड अनबाउंडेड मीडिया से हमारे पास जो एग्जाम्पल्स किए, वहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं सेलुलर कम्युनिकेशन एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन. जितनी भी सेलुलर कम्युनिकेशन, जितनी हम मोबाइल पर हम बातचीत करते हैं, जितनी मोबाइल कम्युनिकेशन है, हम टेलीफोन पर बात करते हैं, मोबाइल्स पर बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल जो हम सर्विस यूज करते हैं, इसलिए हमारे पास कोई केबल वगैरह के साथ यूज़ नहीं होती, ये सब ट्रांसमिशन हमारे पास वायरलेस होती है. इसके अलावा सेटेलाइट कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में कोई हमारे पास फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं होती, मतलब कि हमारे पास उसकी कोई केबल वगैरह या बस आसमान से खला से ज़मीन तक कोई केबल्स नहीं होती. इस सारे सिग्नल्स के थ्रू मैसेज ट्रैवल करते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है, ट्रांसमिशन होती है. तो हमारे पास एग्जाम्पल है, पॉपुलर एग्जाम्पल्स हमारे पास अनगाइडेड मीडिया की. अनगाइडेड सिग्नल्स कैन ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वेज. जितने भी हमारे पास अनगाइडेड सिग्नल्स हैं, ये हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन, एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट पैटर्न से, डिफरेंट तरीकों से हमारे पास ये ट्रैवल करते हैं. जिनमें हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं, एक हमारी एक हफ्ते हमारे पास ग्राउंड प्रोपेगेशन है, एक हमारे पास स्काई प्रोपेगेशन है, और एक हमारे पास लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, मीन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. प्रोपेगेशन मीन ट्रांसमिशन. मतलब जब जितने भी सिग्नल्स मूव करते हैं इस ग्लोब के सराउंडिंग मूव करते हैं सिग्नल्स, तो डिफरेंट के सेवरल पैटर्न्स या सेवरल टेक्निक्स के थ्रू ये मूव करते हैं, जिनमें थ्री हमारे पास प्रोपगेशन हैं, ट्रांसमिशन हैं, जिनमें ग्राउंड प्रोपगेशन है, स्काई प्रोपगेशन है, और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन है. आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ग्राउंड प्रोपगेशन. इन ग्राउंड प्रोपगेशन रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. लेट्स सपोज दिस दिस द बिलो पिक्चर दिस एग्जांपल ऑफ अवर अर्थ. ठीक है, इस अर्थ में हमारे पास आइनोस्फीयर, दिस इज द आइनोस्फीयर, किसे कहते हैं कि जो आसमान में सबसे ऊपर भी जो सतह होती है, दैट इज कॉल्ड आइनोस्फीयर. जो एटमॉस्फेयर से अपर जो स्पेस होती है, उसको हम आइनोस्फीयर बोलते हैं. अगर ग्लोब के दरमियान अगर जितनी भी ग्राउंड प्रोपगेशन में जितनी भी हमारे पास जो जो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं ग्राउंड प्रोपगेशन पर, जितने भी सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं वो हमारे पास करते हैं, दिस इज दीज आर कॉल्ड रेडियो वेव्स. जितनी भी रेडियो वेव्स हैं, ये सबसे हमारे पास जमीन के लोवेस्ट पोर्शन में ट्रेवल करती हैं, और लोअर पोर्शन में ट्रैवल करने को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड प्रोपगेशन. इनकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे पास बिलो टू मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है. और जितनी भी रेस जो कि जमीन की सतह से सबसे निचले हिस्से पर ट्रैवल करती हैं, दीज आर कॉल्ड रेडियो वेव्स. ठीक है, जिसको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड ग्राउंड प्रोपगेशन. ग्राउंड ट्रांसमिशन में जितनी भी वेव्स ट्रैवल करती हैं, दीज आर कॉल्ड रेडियो वेव्स. द सेकंड वन इज स्काई प्रोपगेशन. कहते हैं इन स्काई प्रोपगेशन हाईली फ्रीक्वेंसी microwaves radiate upward into the atmosphere, upper atmosphere, where they are reflected back to the earth. अब जो हमारे पास दूसरी टाइप के जो हमारे पास जो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे हाई फ्रिक्वेंसी, क्यों कौन से हाई फ्रिक्वेंसी, हमारे पास माइक्रोवेव जो हैं, जो कि ट्रेवल करते हैं, रेडिएट करते हैं, सिग्नल ट्रेवल करते हैं एटमॉस्फेयर का, मतलब हमारे पास एटमॉस्फेयर जो ऊपर सतह है एटमॉस्फेयर, तो ये जब मूव करती हैं, ऐसे मूव करती हैं, कैंटीन जब मूव करती हैं, तो उनके सिग्नल्स यहाँ से पहले जाते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं
दूसरे दूसरे टावर तक। तो इस किस्म की टेक्निक, इस किस्म के जो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, दीज आर कॉल्ड हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स। और इनकी जो, इनको हम स्काई प्रोपेगेशन बोलते हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास होती है 2 to 30 MHz। थर्ड हमारे पास, दीज आर कॉल्ड लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। इन लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन्स डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना। अब ऐसी ट्रांसमिशन जो कि एंटीना टू एंटीना ट्रेवल करती है, इस किस्म की ट्रांसमिशन को, इस किस्म के सिग्नल के सिग्नल की ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। और इनकी फ्रिक्वेंसी आपके पास, हमारे पास इनकी स्काई और उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। अब देख सकते हैं इसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज बताई, दीज आर अबव 30 MHz। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास, तीन हमारे पास थे पैटर्न थे कि जिनमें सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, जिसमें हमारे पास एक तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास ग्राउंड प्रोपेगेशन है, स्काई प्रोपेगेशन है, और लाइन ऑफ स्काई लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन है। इन तीन ट्रांसमिशन, इन तीन पैटर्न से हमारे पास सिग्नल्स तमाम ट्रेवल करते हैं। कहते हैं वी कैन डिवाइड वायरलेस ट्रांसमिशन इनटू थ्री ग्रुप्स। जो हमारा मेन टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस ट्रांसमिशन का, हम वायरलेस ट्रांसमिशन को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव्स आती है, और इंफ्रारेड वेव्स आती है। नाउ लेट्स गो एंड डिस्कस व्हाट आर रेडियो वेव्स। नाउ व्हाट आर रेडियो वेव्स? Radio waves are actually electromagnetic radiations. These are actually electromagnetic radiations with frequencies from 3 kHz to 1 GHz. एक ऐसी electromagnetic radiations जिनकी frequency हमारे पास 3 kHz से 1 GHz होती है, these are called radio waves. Now, what is meant by electromagnetic radiations? क्या होती है हमारे पास? कहते हैं basically EMR is a short form of electromagnetic radiations. कहते हैं EMR has both electric and magnetic field components and it, when in vacuum, it propagates at the speed of light. ऐसी radiations जिसमें हमारे पास तो दोनों electric और magnetic fields की दोनों components की quality शामिल होती हैं, और vacuum में ये transmit करती हैं at the speed of light, ठीक है? उसकी frequency होती है हमारे पास 3 kHz से 1 GHz तक. Second one क्या कहते हैं? The wavelength of radio waves range from 1 mm to 100 km. और इसकी जो वेव लेंथ होती है, ठीक है, इसकी जो वेव लेंथ होती है हमारे पास रेडियो वेव्स की, ये 1 mm से लेके 100 km तक ये ट्रेवल कर सकती हैं। एंड इट कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। रेडियो वेव्स यूज नॉर्मली रेडियो वेव्स यूज ऑमनी डायरेक्शन एंटीनास दैट सेंड आउट सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शन। जितने भी रेडियो वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, ये बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं ऑमनी डायरेक्शन एंटीनास, एक एंटीना से। अब जो एंटीनास यूज होते हैं, दीज आर कॉल्ड ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास। और ओमनी डायरेक्शनल का फायदा क्या है? जब इसमें से कोई भी वेव, कोई भी सिग्नल्स पास आउट होता है, ये से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो चारों डायरेक्शन में, वो सराउंडिंग तमाम डायरेक्शंस में वो प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जितने भी हमारे पास AM और FM रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो कम्युनिकेशन है, कहते हैं जैसे AM, FM रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन, रेडार एंड अदर नेविगेशन सिस्टम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियो वेव्स। जितनी हमारे पास AM/FM ट्रांसमिशन हो रही है, हमारे पास रेडियो की ट्रांसमिशन होती है, टेलीविजन की ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, जितने दूसरे नेविगेशन सिस्टम होते हैं हमारे पास, ये सारे एग्जांपल्स हैं रेडियो वेव्स की। अब आप देख सकते हैं कि इन जो एंटीनाज हैं हमारे पास, देख सकते हैं ये मोबाइल टावर्स हो गए, ये हमारे पास ये पुराने समय, ये जो जितने भी रेडियो स्टेशन हैं इनके ऊपर जो एंटीनाज लगे हुए हैं, वो सिंगल एंटीना लगे होते हैं, इस किस्म के एंटीनाज होते हैं कि जिनके ऊपर अगर आप सिग्नल्स देखते हैं, इनके सिग्नल्स सराउंडिंग चारों तरफ प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इसके, इस जो हमारे पास ये एंटीना है, इसके अतराफ में जितने भी लोग हैं, जितने भी कोई इसको कैच करे सिग्नल्स को, हर कोई इसको कैच कर सकता है ओमनी डायरेक्शन, क्योंकि इसके ऊपर जो एंटीना लगे होते हैं वो हमारे पास ओमनी डायरेक्शन एंटीना। सेकेंड वन हमारे पास, व्हाट आर माइक्रोवेव्स? Microwaves are also the electromagnetic radiations with frequencies from 1 GHz to 300 GHz. अब जो हमारे पास रेडियो वेव्स थी उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1 GHz थी, और माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी उससे भी ज़्यादा है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो हमारे पास 1 GHz से स्टार्ट होती है और 300 GHz तक होती है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। The wavelength of microwaves range from 1 meter to 1 millimeter. अब इसकी जो रेंज है, देख इससे पहले जो हमारे पास रेडियो वेव्स थी उसकी रेंज थी हमारे पास 1 मिलीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक। अब इसकी रेंज कम हो गई है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है और रेंज कम होती है। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी उसकी रेंज उतनी कम होगी, और वो वेव्स हमारे पास उतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ठीक है। अब कहते हैं द वेव लेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, इसकी 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक की रेंज होती है हमारे पास। एंड माइक्रोवेव्स यूज यूनिडायरेक्शनल एंटीनास दैट सेंड आउट सिग्नल्स इन ऑल इन वन डायरेक्शन।
जितनी भी माइक्रोवेव्स होती हैं ये बेसिकली यूज पे जो एंटीना यूज होते हैं दीज आर यूज यूनिट दीज यूज यूनिट डायरेक्शन एंटीनास दैट सेंड आवर सिग्नल्स इन वन डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन। इसके साथ जितने एंटीने भी होते हैं हमारे पास ये होते हैं हमारे पास यूनिट डायरेक्शन एंटीनास जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में सिग्नल्स को सेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पिक्चर बता दूँ डिश एंटीना की, लेकिन जो हमारे डिश एंटीना लगे होते हैं इनके जो हमारे पास ट्रांसमीटर लगा होता है ठीक है, इसमें जितने भी सिग्नल सेंड होते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में सिग्नल सेंड भी होते हैं और एक जो सिग्नल रिसीव करते हैं ये भी ओनली वन डायरेक्शन में सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। द डिश एंटीना एंड हॉर्न एंटीना आर यूज्ड फॉर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। जितने हमारे पास डिश एंटीनाज हो गया हॉर्न एंटीनाज हो गया हमारे पास ये सब के सब इसमें जो यूज होते हैं कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव प्रोपगेशन इज लाइन ऑफ साइट। जितनी भी माइक्रोवेव्स हैं इसमें जो प्रोपगेशन यूज होती है ट्रांसमिशन यूज होती है वो कौन सी ट्रांसमिशन यूज होती है वो हमारे पास यूज होती है लाइन ऑफ साइट। और मैंने आपको बताया कि लास्ट में लाइन ऑफ साइट जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है वो एंटीना टू एंटीना यूज होती है। इट इंक्लूड UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी EHF एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी SHF सुपर हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स। में जो बैंड यूज होते हैं हमारे पास UHF बैंड भी यूज होते हैं EHF और SHF बैंड्स इसमें फ्रिक्वेंसी के यूज होते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास कितने हैं क्या है एग्जांपल्स आर सेलफोन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रडार लॉन्ग रेंज मिलिट्री एंड वेदर सेट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज ऑल आर द एग्जांपल्स दैट यूज माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ठीक है। जितनी भी माइक्रोवेव जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो ज्यादा चीजों में यूज हो रही है वो हमारे पास सेलफोन में यूज हो रही है सैटेलाइट में भी यूज हो रही है जितने भी लॉन्ग रेंज हमारे पास रडार सिस्टम है जो कि मिलिट्री वगैरह में और वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है इन सब में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। ये देखें ये एग्जांपल हमारे पास डिश एंटीना ये हमारे पास दूसरे एंटीना जो कि हॉर्न एंटीना ठीक है। थर्ड हमारे पास व्हाट आर इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 300 GHz टू 400 THz। अब जो ऐसे रेडिएशन जिसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 300 GHz से लेकर 400 THz तक जा सकती है ऐसी रेडिएशन को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। एंड द वेव लेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेंज फ्रॉम 1 mm टू 770 nm। इसकी जो इंफ्रारेड की जो वेव लेंथ की रेंज है हमारे पास 1 mm से लेकर 770 nm तक हमारे पास होती है। माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन नीड्स अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स की तरह इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में भी हमारे पास जो ट्रांसमिशन यूज होती है वो हमारे पास यूज होती है लाइन ऑफ साइट। एग्जांपल्स के हमारे पास एग्जांपल्स आर द नाइट विजन डिवाइसेस ट्रैकिंग सिस्टम्स दैट यूज इन बॉडी बिहाइंड ओपेक सिस्टम रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी रिकॉर्डर सेटरीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। जितने भी इंफ्रारेड वेव्स हैं जितने हमारे पास टीवी के रिमोट कंट्रोल्स हैं जितने भी डिवाइसेस के रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें जो वेव्स निकलती है वो हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जितनी नाइट विजन डिवाइसेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट के दूसरे तरफ भी फाइंड आउट कर लेते हैं ये तमाम डिवाइसेस जो हैं इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो वेव्स यूज हो रही है हमारे पास यूज हो रही है इंफ्रारेड वेव्स। इन एडिशन कहते हैं वी कैन नॉट यूज इंफ्रारेड वेव्स आउटसाइड अ बिल्डिंग बिकॉज द सन रेज कंटेन इंफ्रारेड वेव्स दैट कैन इंटरफेयर विद द कम्युनिकेशन। जितनी भी इंफ्रारेड वेव्स हैं इसको हम कहते हैं इसको हम ओपन एयर में मतलब ओपन एयर में खुले आसमान के नीचे या ड्यूरिंग सनलाइट आप कह सकते हैं ड्यूरिंग सनलाइट हम इसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी हमारे पास सनलाइट है नॉर्मल जो दिन के वक्त जो धूप में अगर आप देखते हैं तो उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उस उन इंफ्रारेड वेव्स की वजह से अगर आप कोई डिवाइस ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसमें इंफ्रारेड वेव्स उसमें से प्रोड्यूस हो रही है तो वो इंफ्रारेड वेव्स दूसरे में इंटरफेरेंस हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन खराब हो सकती है। इसलिए कहते हैं ड्यूरिंग सनलाइट हम इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करने के दौरान आपकी कम्युनिकेशन खराब हो सकती है वो कैसे जैसे कि देखें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको नाइट ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आप इंफ्रारेड ग्लासेस यूज करते हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें इंफ्रारेड वेव्स हैं तो उस आप वो उसको आप देखें इसको देख सकते हैं तो मतलब आप ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही है तो उसके जरिए भी आप उसको देख सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है ये देखिए जब भी दिन के बाद सनलाइट जब जमीन पर पड़ती है तो सनलाइट जब नीचे बंद होती है तो उससे उसकी जो दूसरी वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं ये जो वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही है दीज आर कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। जो ये वेव रिफ्लेक्ट हो रही है इंफ्रारेड वेव्स तो अगर आप इस ड्यूरिंग सनलाइट अगर आप ऐसे डिवाइस यूज करें जिसमें इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें से ये उसमें से इंटरफेरेंस कर सकते हैं आपकी कनेक्शन में खलल आ सकता है ठीक है तो इस तरह इसको यूज मत करें। ये तो हमारे पास टॉपिक था अनगाइडेड मीडिया जिसमें हमने तीन
वेव्स को डिस्कस किया, तीन अनगाइडेड मीडिया को, ये तीन अनगाइडेड जो ट्रांसमिशन है उसको हम डिस्कस किया है, इसके बाद जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स थी, माइक्रोवेव्स थी और इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन हम उसे कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है मैंने आपके पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।